हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक कवर किया जाएगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आफ्टर दैट कंज्यूमर राइट्स के बारे में या अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि कंप्लेंट कर सकते हैं या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देन डिफरेंट रीड्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, रेमिडीज के बारे में पढ़ेंगे और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स को यूज करता है या सर्विसेस को अवेल करता है सेल्फ कंजप्शन के लिए। So this is what the consumer means, that any person who uses or consume goods or avail of any services with the aim for self-consumption. After that, consumer protection. So it refers to the regulatory framework of the laws and organization that have been set to promote the rights of consumer as well as fair trade, competition and flow of accurate information in the मार्केट प्लेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली रेगुलेटरीज का मतलब होता है रोकना या उसको कम करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे लॉज ऐसे बनाए गए हैं, एक्ट ऐसे बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से बचाने के लिए यहाँ पे लॉज फ्रेम किया गया है। तो दिस इज व्हाट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते क्या है? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एडल्ट्रेशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है सामान में मिलावट करना, देन पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस, देन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कई बार होता है कि जो बिजनेसमैन होता है या कंपनीज होती हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए गलत मैसेज वगैरह देते हैं या गलत तरीके से एडवर्टाइज करते हैं। तो ये भी रोका जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे। देन अंडरवेट गुड्स और क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल स्केयर्सिटी। आर्टिफिशियल स्केयर्सिटी का मतलब होता है कि जानबूझ के चीजों को डंप कर देना, जमा कर देना, और जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हायर प्राइस पे बेचना। तो इन सबसे रोकने के लिए, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो लागू किया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के महत्व के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा है फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दोनों लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत हेल्प करता है, और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है दैट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस नीड टू बी रिमूव। तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे लोगों को या कंज्यूमर को प्रमोट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको राइट्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताई जाती है। आफ्टर दैट अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर नीड अ मैकेनिज्म टू यूनाइट देमसेल्फ। तो एक जितने भी अलग अलग जगह पे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म एरिया चाहिए जहाँ पे कि वो एक साथ यूनाइट हो सके और शोषण के खिलाफ जो है वो लड़ सके। आफ्टर दैट वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर नीड टू बी चेक।
widespread exploitation, मतलब जो कंज्यूमर को शोषण किया जा रहा है अलग अलग तरीके से. जैसे पहले वाले स्लाइड में मैंने आप लोग को बताया था कि देर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर, मिलावटी सामान का देना, देन आपको हायर प्राइस पे चीजों का देना, एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे देना, पुअर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बेसिस पे कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होता है. तो उस चीज को चेक करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हेल्प करता है. आफ्टर दैट फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस इज एश्योर. तो यहाँ पे बिजनेसमैन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे कंज्यूमर को बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट देना, देन ब्रांडेड चीजों का देना, उनके नीड के हिसाब से चीजों को देना, तो ये इस बेसिस पे वो लंबे समय तक के लिए मार्केट पे रह सकता है. देन बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज सो दे नीड टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट. तो बिजनेसमैन जो होता है वो बेसिकली सोसाइटी की चीजों को ही यूटिलाइज करता है, उसके रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है, इसलिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे. आफ्टर दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट ग्रुप. तो बिजनेसमैन की ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर के लिए कि उनके नीड के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को प्रोवाइड करना और उनको रीजनेबल रेट पे देना. देन इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द कंज्यूमर इंटरेस्ट. तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है बिजनेसमैन को कि जो भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना, उनको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देना और उनके उनको जैसा सामान हार्म ना हो उस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल करना. देन टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस. तो अगर बिजनेसमैन को चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन या एक्शन उनके ऊपर ना हो तो वो कंज्यूमर के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रॉपर तरीके से उनको डिस्चार्ज करनी चाहिए. तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. थैंक यू.